ऑफिस में ना काम बहुत होते हैं यार, कई बार तो इतना अभी प्रेशर है ना ऑफिस में, तो पूछो मत। कोई बात नहीं, काम है करना है। नेहा सो गई क्या? हाँ सो गई। उसको भी स्कूल जाना पड़ता है। सुनो शादी का रोज रोज होती है क्या? अभी क्या हम लोग दोनों मिलकर दोबारा शादी करें तब आप लोग आओगे यार? अब तो मैं आ गई हूँ, यहीं पे हूँ कुछ दिन के लिए। चलो एक काम करो, फिर फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ है ना। अच्छा दी, आप अकेले आए हैं, जीजू को नहीं लेके आए? वो काम में बिजी है, वो अभी नहीं आ पाए। अच्छा आएंगे, फ्री होकर आ जाएंगे। बिजी हो थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं। बस भी कर रही है काम है। चलो चलो मैं आपको आपको रूम दिखा दिया, आप आराम कर लीजिए। ठीक है। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूँ, मैं भी निकलता हूँ, ऑफिस में ही कर लूँ। और हाँ दीदी जैसे उठेंगी तो उनको नाश्ता वास्ता करा देना। उनको तो मैं नाश्ता करा दूंगी, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूँ मैं, बस 2 मिनट में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं ऑफिस में उतर ही खा लूंगा। तुम उनको नाश्ता करा देना जल्दी उठ जाएंगे तो। ठीक है मैं निकलता हूँ क्योंकि काफी लेट हो रहा हूँ। मैं बस बना देती हूँ। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं बाबा। ठीक है लेकिन टाइम से कर लेना। हाँ याद से कर लूंगा। ठीक है चलो चलो बाय। ठीक है चलो मैं निकलता हूँ। और सुना विक्की? बढ़िया जी। दीदी यार मतलब यार क्या बोलूं मैं आपको यार, मतलब आपने मुझसे ये भी बात छुपाई कि इनकी पोस्टिंग हमारे ही शहर में है। अरे इनकी पोस्टिंग अभी 4 दिन पहले हुई है यार। ये तो सही नहीं है ना यार। क्या हुआ कि अगर मेरा एक्सीडेंट एक गाड़ी वाले से नहीं होता, ना तो मेरा एक्सीडेंट होता ना ही मुझे थाने जाना पड़ता,
और ना ही मेरी मुलाकात इनसे होती है। इनकी पोस्टिंग अभी हुई है, हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। अरे शुक्र मानो उस थाने के इंचार्ज में था। हाँ। और ना तो तुम्हारा भैया ना जो 6 महीने के अंदर ही चला था। क्यों ऐसा क्या किया? एक बाइक वाले को ठोक दिया अपनी गाड़ी से। आप ठीक तो है ना? हाँ यार मैं ठीक हूँ। ज्यादा लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ यार। बाइक वाले से टक्कर हुई है ना तो उसको थोड़ी लग गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को थाने जाना पड़ा। और थाने में जैसे ही मुझे पता चला कि इनकी पोस्टिंग हमारी शहर में, तो मैं देख के हैरान हुआ कि यार दीदी ने मुझे बोला था कि इनकी पोस्टिंग हमारे कहीं दूर है, लेकिन आज मुझे मैं देख के हैरान हुआ कि खुशी भी हुई मुझे काफी। विक्की मुझे लगता है ये तुम्हारी वाइफ है। हां जी जी। तभी तो मुझे देख के इतना नमस्ते जी, तभी तो मुझे देख के इतना हैरान हो गई है। हैरानी तो होनी है क्योंकि आप लोग शादी में तो पहुंचे नहीं है ना, तो शादी में नहीं आए तो आप हम लोगों से मिल नहीं पाए। हाँ लेकिन ये फोटो देखती रहती हैं, लेकिन इनको जानती है, लेकिन आपके फोटो इन्होंने नहीं देखे हैं। हाँ मैं अपने फोटो ज्यादा सेव नहीं करता। आप लोगों का सामान कहाँ है? हाँ जी सामान कहाँ है? सामान एक्चुअली गाड़ी में पड़ा हुआ। सब गाड़ी में रखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भाई से जो एक्सीडेंट की बात है मामला में अपना अपना वादा पा कर दूंगा, सब मेरा आदमी है। किसी को लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। उनकी थोड़ी आदत मुझे ठीक नहीं लगती। जी जैसे क्या? अच्छी नहीं लगती मतलब?
मतलब वो अजीब तरीके से घूरते हैं मुझे। अरे बाबा वो पुलिस वाले हैं ना, तुम तो अच्छे से जानते हो ना, और पुलिस वालों की आदत होती है घूर के देखना, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है अगर तुम कहते हो तो। हाँ ऐसा नहीं है यार, पुलिस वालों की आदत होती है ना, तो इसमें बुरा मानने वाली बिल्कुल नहीं बात। ठीक है चलो, बाकी जल्दी उठ जाएंगे वो तो, उनको नाश्ता करा देना। ठीक है बाबू मैं चलता हूँ अभी। ओके बाय बाय। मुझे माफ कर दे यार। पुलिस स्टेशन जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ।